वो या तो आ रहे हैं ये साइन में यूज कर रहा हूं आने के लिए ठीक है कि इनफ्लो हो रहा है या फिर जा रहे हैं ये साइन में फिलहाल यूज कर रहा हूं आउटफ्लो के लिए तो यहां पे ओनरशिप में चेंज आता है स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान से समझनी है यहां पे फिजिकल मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं है तो मेजरली कैपिटल अकाउंट उन चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में आपके पास फॉरेक्स देश में आता है या देश से फॉरेक्स जाता है ठीक है अब देखो एक छोटा सा आइडिया ब्रीफ आइडिया मैंने आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में दिया था अब जरा कॉम्पोनेंट की फॉर्म में बात करते हैं देन डिटेल में जो इसके अंदर सब टॉपिक्स है वो हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पहली चीज है वो है इन्वेस्टमेंट ठीक है तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड ठीक है तो हमारे पास पहली चीज क्या है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड अब ये स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है देखो जरूरी तो नहीं है ना कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो हमेशा इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी सम टाइम्स हमसे भी कुछ कंट्रीज हैं जो हमसे भी नीचे हैं जो हमसे भी अंडर परफॉर्म कर रही हैं हम उन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि देखो अगर हम मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं इन्वेस्टमेंट का जो एक सोल मोटिव होता है वो है. है है, होता है रिटर्न जरूरी नहीं डेवलप्ड कंट्रीज ही रिटर्न दे पाए डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वहां पोटेंशियल भी ज्यादा होता है कई बार तो इन्वेस्टमेंट या तो आई आपने करी अब फॉरेन में से आने वाली इन्वेस्टमेंट या फॉरेन में जाने वाली इन्वेस्टमेंट दो तरीके से की जा सकती है ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जानते होंगे एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है एक हमारे पास क्या हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज एफ डी आई और दूसरा हमारे पास होता है स्टूडेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ठीक है, इस आप को एक तरीके से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कह सकते ठीक है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ जहां पे आपके पास ओनरशिप भी आ गई और मैनेजमेंट भी आ गई दोनों चीजें आ गई और

एनआरआई डिपॉजिट्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको क्लियर कर दिया था तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर है अब आगे पढ़ते हैं दी अदर मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट इज द कैपिटल दें लीडिंग टू मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज अफेक्टिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ द कंट्री दिस अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऑफ ओनरशिप फाइनेंशियल एसेट्स सचेस कंपनी शेयर बैंक लोन्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज

Foreigner investment or foreigners buying long term securities wo koi bhi security income maturity period more than one year ka hai. from the resident of that country. Foreign direct investment is the act of changes in non-resident ownership of domestic firms and resident ownership of foreign firms. Okay. A transfer of funds to our country constitutes credit entry right in the capital account of our balance of payment. On the contrary, an Indian transferring funds.

इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स रियल फिजिकल सच प्लांट किसी भी चीज में मतलब उसमें किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की जो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी विद मोटिव आप उस चीज को ओन कर रहे हैं तो ओनरशिप के मोटिव से करेंगे तो ये बात आ गई नेक्स्ट हमारे पास है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो इट इन्वॉल्व परचेजिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज इसमें हमारे पास क्या है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को परचेज करना जैसे कि अगर हम बात करते हैं Talks, like मैंने कोई शेयर्स खरीद डिवेंचर्स खरीद लिए किसी कंपनी के है ना किसी तरह की सिक्योरिटीज खरीद लिया वो हो गया तो परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ अंपनी बायरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रिजल्टिंग इन इन फॉरन एक्सचेंज कॉन्स्टिट्यूट क्रेडिट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिमिलरलीफ होल्डिंग गिव राइस टू अ डेबिट एंट्री इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक है सेम वही बात हो गई कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चला जाएगा तो डेबिट आइटम है वहां के लोग हमारे स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनफ्लो है तो क्रेडिट आइटम में चला जाएगा राइट right? ठीक है नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या दिया लोन्स लोन्स तो रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री कंट्री फ्रॉम अदर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑगमेंटिंग द सप्लाई ऑफ फॉरेक्स मतलब हमने रिसीव किया है तो so, अगर वहां से हमारे पास आ रहा है तो अगेन फॉरेक्स इनफ्लो हो रहा है और इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स कहा जाएगा क्रेडिट आइटम के अंदर लेकिन वही हम लोन दे रहे हैं किसी को तो आउटफ्लो हो गया नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लो इन फॉरमेंट और इन्वेस्टमेंट करें के तो ट्रीटमेंट करे, तो, तो सेम होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट चलो अब यहां पर आपको कुछ समझाता हूँ देखो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो इसका काम क्या है इसका काम है रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स। अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपसे बात कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है इन सब का रिकॉर्ड करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है ठीक है अब ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ध्यान से समझना ठीक है ये जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं ये ट्रांजेक्शन कौन कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है ये या तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है या तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है दो अकाउंट इनको रिकॉर्ड करने के लिए होपफुल यहां तक की बात सामने आ गई है ठीक है अब इनमें ट्रांजेक्शन करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स है कौन इनमें ट्रांजेक्शन कर रहा है तो इनमें ट्रांजेक्शन करने वाले हाउस होल्ड डायरेक्ट भी हो सकते हैं आजकल ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी जिससे है जिससे कि आप डायरेक्टली परचेजेस कर सकते हो आपके घर पे आ जाएगा उन जो भी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो उसके पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है उसकी जिम्मेदारी है आप कंज्यूमर के तौर पर जाएंगे ठीक है बीज अ फर्म भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट का पार्ट भी है तो भी आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं तो मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है ये ट्रांजैक्शंस करने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं

कि इंडिया घाटे में चल रहा है इंपोर्ट ऑलरेडी ज्यादा है या इम्पोर्ट कम है मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है राइट तो आप मंगाओगे सिमिलरली कोई कंपनी है उसको मतलब है कि भाई मैं मान लो ये कॉपर बॉटल्स एक्सपोर्ट कर रही हूँ या इम्पोर्ट कर रही हूँ मुझे नहीं मतलब है कंपनी कंट्री का स्टेटस क्या चल रहा है हम तो अपना काम करेंगे तो मतलब आपकी कोई ट्रांजेक्शन मेरी कोई ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट की कोई मान लो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनकी कोई भी ट्रांजेक्शन है हम लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं वो फायदे में होगी या फिर वो नुकसान में होगी हमें पता है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन करनी है वो ट्रांजेक्शन करनी है तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम बिना किसी मोटिव के करते हैं हमें नहीं मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है इसीलिए इन ट्रांजेक्शन को कहा जाता है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन ठीक है स्टूडेंट्स इसीलिए क्या कहा गया तो ये होगी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्यों है ऑटोनोमस क्योंकि मुझे बीओपी के स्टेटस से मतलब नहीं है कि मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉफिट के स्टेटस में है मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट लॉस के स्टेटस में है मेरी कंट्री का डेफिसिट चल रहा है सरप्लस चल रहा है हमें तो ये ट्रांजेक्शन करनी है इसीलिए इन्हें ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कहते हैं तो अब एक बात देखो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में जा रही है ये करंट अकाउंट में भी जा सकती है और ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में भी जा सकती है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये इसी जगह पे आएंगे ऐसा कुछ नहीं है ये ट्रांजेक्शन करंट में भी हो सकती है ये ट्रांजेक्शन कैपिटल में भी हो सकती है दोनों जगह पे हो सकती है राइट तो ये हमारे पास आ गया कॉन्सेप्ट ठीक है अब लेकिन एक बात समझो जो मैंने बिल्कुल लेक्चर्स के स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया था लेक्चर्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जो ट्रांजेक्शन मतलब ये सारे लोग करते हैं ये मैं कर रहा हूँ ये आप करो चाहे गवर्नमेंट का कोई पीएसयू कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो सिर्फ अपना डेटा मेंटेन करते हैं एट द फाइनेंशियल ईयर ये सारा डेटा कंपाइल सारे डिपार्टमेंट से लेने के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है हमारी कंट्री के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो जो आरबीआई है वो क्या करेगा वो इन सारे ट्रांजेक्शन को एक बारी बैठ करके टूट करेगा के जिससे कि वो एक पूरा बैलेंस बनाएगा कि हमारी कंट्री का जो बीओपी है वो प्रॉफिट के सिचुएशन में है मतलब सरप्लस में है या फिर लॉस में है अब समझना ध्यान से अगर हमारी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है बैलेंस ही होना चाहिए लेकिन ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अकाउंटिंग सेंस में हो सकता है कि वो हमेशा बैलेंस हो जाए लेकिन वही वाला आप, आपको बिल्कुल याद रखना है क्या जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंडल तो ना तो, तो, नेट नेट तो यहाँ पे भी वही चलता है लेकिन हो तो लॉस में ना या हो तो प्रॉफिट में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस करता है और वो ये देखता है कि एक्चुअली में आपके देश के जो ओवरऑल इंपोर्ट्स रहे हैं वो ज्यादा रहे हैं किससे आपके देश के एक्सपोर्ट से जब वो इस चीज को ढूंढता है कि आपकी कंट्री के इंपोर्ट्स ज्यादा रहे हैं किससे आपके एक्सपोर्ट से तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया डिस इक्विलीब्रियम राइट आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम पे तो नहीं आया वो किस में चला गया वो डिस इक्वलीब्रियम पे चला गया अब आरबीआई को उसको बैलेंस करना ठीक है अब वो बैलेंस कैसे करेगा बैलेंस करने के लिए दो ऑप्शन है अगर मान लो उसने ये देखा कि अगर ये सिचुएशन है विच इज केस ऑफ बीओपी डेफिसिट है ना कि इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट्स कम ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर यही होता है तो वो डेफिसिट की सिचुएशन में आपको फॉरेक्स की कमी पड़ रही है तो वो क्या करेगा वो बाहर के देशों से फॉरेक्स को बोरो कर लेगा राइट right? ठीक है या फिर अगर मान लो वो ये देखेगा कि आपकी कंट्री में किसी भी तरीके से सरप्लस है मान लेते हैं तो सरप्लस के केस में आपके यहां फॉरेक्स ज्यादा है तो फॉरेक्स अगर ज्यादा है तो वो क्या कर देगा वो यहां से लेंड कर देगा तो ध्यान से देखना दो मेजर एक्शन आए हैं या तो वो बोरो करेगा आरबीआई या तो वो लेंड करेगा तो ये बोरोइंग और लेंडिंग वाली जो ट्रांजेक्शन जो आरबीआई कर रहा है सिर्फ आरबीआई क्या करने के लिए आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए तो उन ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा स्टूडेंट्स एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होपफुली ये बात समझ में आएगी एकोमोडेट करने का मतलब ही होता है ना किसी को साथ देना किसी को सपोर्ट करना तो यहाँ पे वो एकोमोडेट करने का यही मतलब है कि मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूं आरबीआई के तौर पे कि भाई गड़बड़ है चाहे फायदा है मीन सरप्लस है चाहे डेफिसिट है ठीक है तो सरप्लस या डेफिसिट है जो भी सिचुएशन है मुझे उसे बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए मैं दो ही ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ या तो मैं बोरो कर लूंगा या तो मैं लेंड कर दूंगा तो बोरोइंग इधर द केस ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है और किसी को जब पता ही नहीं हाउस होल्ड को फर्म को गवर्नमेंट को तो करेंगे कैसे इन्हें क्या पता बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है क्योंकि ये तो बना ही नहीं रहे तो पता तो आरबीआई को तो आरबीआई उसको बैलेंस करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उन्हें क्या कहा जाएगा एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन एकोमोडेटिंग आइटम्स अब एक बात ध्यान से आपको याद रखनी है समझनी जो है ये क्या है ट्रांजेक्शन या तो यहाँ पे आप लेंडिंग में हो या तो यहाँ पे आप बोरोइंग में हो दो चीजें हैं आपके पास या तो आप लेंडिंग में है या तो आप बोरोइंग में है तो लेंडिंग का केस हो गया या बोरोइंग का केस हो गया जोन सा भी केस है आप समझ रहे हो या लेंडिंग का केस हो गया या बोरोइंग का केस हो गया कोई सा भी केस हो इन दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स हो क्या रहा है आपके कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन की जाएंगी आप समझ रहे हो क्योंकि बोरोइंग और लेंडिंग करंट अकाउंट का पार्ट नहीं हो सकता तो मतलब ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में भी आ सकते हैं कैपिटल अकाउंट में भी आ सकते हैं एट द सेम टाइम लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आ सकते हैं अब इनके बीच में रोल आता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का देखो हर कंट्री का फॉरन की कंट्रीज के साथ ना क्या होता है एक रिकॉर्ड बनता है जिसमें उनके अपने फॉरेक्स के रिजर्व को वो होल्ड करते हैं उसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन कहा जाता है मतलब उसमें जो भी फॉरेक्स है तो अगर आपको लगता है कि आपको बोरो करना है या लेंड करना है तो आप इन्हीं अकाउंट्स के अंदर या तो बोरोइंग करते हो या लैंडिंग करते हो ठीक है तो हर कंट्री के पास अपने ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होते हैं तो जब कोई भी कंट्री अपनी बोरोइंग या लेंडिंग का प्रोसेस करती है तो वो किसके थ्रू कर पाती है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन के थ्रू तो यही अकाउंट है जो हमें पढ़ना है आप चलो पढ़ते हैं इनफैक्ट द ऑफिशियल स्टेटमेंट अकाउंट और अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट दो

इन द वर्ड ऑफ जेल्ड एम ट्रांजेक्शन इन द करंट अकाउंट अफेक्ट नेशनल इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कैसे इंपैक्ट करते हैं देखो सोन बहुत सिंपल है अगर आप लोग थोड़े ब्रॉड लेवल पे एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट याद कर पाए तो आपने एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक में इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा दैट इट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम राइट और एग्रीगेट डिमांड को इन शॉर्ट कुछ भी नहीं कहा जाता इट इज नथिंग बट जीडीपी अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू भी बात करते हो रिकॉल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग उसमें क्या था प्राइवेट फाइनल 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 कंजम्पशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट वो था ना तो वो क्या था इट वॉज नथिंग बट जी तो जीडीपी तो यही है तो आप देख सकते हो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो किसका एक्सपोर्ट और

समझ में आ गया होगा की करंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्या रहता है स्टूडेंट वो इनवर्स है, है एक का माइनस है तो अगर लास्ट में इनको एड किया गया तो वो क्या हो जाएगा वो अल्टीमेटली बैलेंस होगा जस्ट मोमेंट स्टूडेंट चलो ठीक है अब इन दी अकाउंटिंग सेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री रिमेन ऑलवेज बैलेंस जे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं जस्ट एक बार ये पढ़ लो मैं थोड़ा सा पानी पी चलो व्हाई कॉन्सेप्टुअली द करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स आर डिफाइंड टू बी इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन साइन In practice, it is very difficult to record all the entries in the balance of payments accurately, and the sum is not zero. That is why a balancing item called net errors and omissions is included in the balance of payment accounts. This item takes into account the inaccuracies in recording different transactions due to smuggling, underreporting, or over overreporting of transactions, use of sampling, right? so the balancing item includes all unrecorded transaction and is equal to the difference between the measured current account and the measured capital as well as financial account.